और आज मैं ऐसे कुछ मराठी फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जिस फिल्म को दूसरा इंडस्ट्री में की गई है रिमेक। तो सही वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, डोंबिवली फर्स्ट। और ये 2005 का ड्रामा फिल्म है जहाँ पर एक मिडिल क्लास बैंक एम्प्लॉय माधव आप्टे का कहानी को दिखाई है। और बता दोस्तों, बाद में इसका तमिल रिमेक आई 2007 में इवानो ओरुवन, जहाँ पर आर माधवन को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 2, माला आई वायचाय। और ये 2011 का ड्रामा फिल्म है जहाँ पर एक सैरोगेट माँ की कहानी को दिखाई है और जो फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड विनर फिल्म रहा। और बता दोस्तों, बाद में इस फिल्म का टोटल 3 लैंग्वेज में हुआ है रिमेक, जहाँ पर इसका तेलुगु रिमेक आई वेलकम ओबामा और 2013 में आई और इसमें उर्मिला को लीड रोल में नजर आई है। और 2021 में इसका हिंदी रिमेक आई मीमी, जहाँ पर कृति सनन को लीड रोल में नजर आई है और जिस फिल्म को मिला है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू। और बता दोस्तों, जहाँ पर ये फिल्म डिजिटली ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसके बाद अभी तमिल और मलयालम भाषा में इसका रिमेक आने वाले है। और बता दोस्तों, जहाँ पर इस रिमेक पर नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 3, हैप्पी जर्नी। ये 2014 का मराठी ड्रामा फिल्म है जहाँ पर अतुल कुलकर्णी लीड रोल में नजर आई है और इसमें भाई और बहन के बीच में बॉन्डिंग को दिखाई है। और बाद में 2018 में इसका मलयालम रिमेक आई कोटे, जहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन और नाजिया नाजिम को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 4, लाई बाहरी। ये 2014 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आई है। इसमें सुमित्रा के बेटा का मर्डर होता है और इसके बाद वो कैसे अपनी बेटी जैसे देखने वाले एक लड़का से मिलते हैं, वह इसमें दिखाई है। और 2015 का प्रीवियसली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इस फिल्म को मिला था महाराष्ट्र का हाईएस्ट टीवी व्यूअरशिप। इसका बजट 8 करोड़, कलेक्शन रहा 40 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इसका रिमेक आई ओडिया भाषा में जागा हतारे पाघा और जो 2015 में आई और इसमें ओडिशा का सुपरस्टार अनुभव महंत को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 5, लापाछापी। ये 2017 का हॉरर फिल्म है जहाँ पर पूजा सावंत को लीड रोल में नजर आई है और इसमें प्रेग्नेंट माँ कैसे अपनी बच्ची को एक ईविल आत्मा के हाथों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वह इसमें दिखेगी है। और बता दोस्तों, अभी इस फिल्म का हिंदी में बनने वाले हैं रिमेक और जहाँ पर नुसरत बारूचा को लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 6, सारथ। ये 2016 का मराठी का रोमांटिक फिल्म है जहाँ पर रिंकू और आकाश को लीड रोल में नजर आई है और इसमें दोनों कॉलेज फ्रेंड आची और पार्श्यप दोनों के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और ये फिल्म मराठी का ऑल टाइम हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म है जहाँ पर बजट था सिर्फ 4 करोड़, कलेक्शन रहा 120 करोड़ और ये फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। बाद में इसका टोटल 6 लैंग्वेज में आई है रिमेक, जहाँ पर चन्ना मेरिया जो 2017 में पंजाबी का रिमेक है और इसके बाद धादक जो 2018 में हिंदी में रिमेक आई और इसमें ईशान खत्तर जन्वी कपूर को लीड रोल में नजर आई है और ये रहा सुपरहिट। और इसके बाद मानसू मल्लिक जो 2017 में कन्नड़ भाषा में रिमेक है जहाँ पर रिंकू को लीड रोल में नजर आई है। और इसके बाद आई लैला ओ लैला जो 2017 का ओडिया भाषा में रिमेक है और इसके बाद 2018 में आई नूरजहान जो इंडो बांग्ला जॉइंट का रिमेक है जहाँ पर अजीत और पूजा को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 7, मितवा। ये 2015 का रोमांटिक फिल्म है जहाँ पर स्वप्निल जोशी लीड रोल में नजर आई है और इसमें शिवम और नंदिनी के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और बता दोस्तों, बाद में 2017 में इसका बंगाली रिमेक आई आमी जे के तुमार, जहाँ पर अंकुश सायंतिका और नुसरत को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 8, मुलसी पठान। और 2018 का क्राइम ड्रामा फिल्म है जहाँ पर ओम भुतकर को लीड रोल में नजर आया था। और बता दोस्तों, और अभी फिल्म का हिंदी में होने वाले है रिमेक और जो है अंतिम द फाइनल ट्रूथ और इसमें भाजन सलमान खान को एक कॉप और दूसरी तरफ आयुष शर्मा को एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। और जब पर इसमें आयुष एक गांव का लड़का कैसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन जाते हैं वह इसमें दिखाया जाएगा। और इसमें भाईजान का डिफरेंट एक्टर और आयुष का है काफी इंटेंस बॉडी और साथ में इस फिल्म पे इन दोनों का वायलेंस एक्शन नजर आएंगे और इस फिल्म के लिए फैंस ने है काफी एक्साइटेड। नंबर 9, टाइम पास। ये 2014 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर पड़प और केताकी की लव स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। बाद में इसका रिमेक आई तेलुगु भाषा में 2015 में आंध्रपुरी
नंबर 10 पोस्टर बॉयज। ये 2014 का कॉमेडी फिल्म है और दोस्तों बाद में इसका हिंदी भाषा में 2017 में रिमेक आई पोस्टर बॉयज, जहां पर सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयश को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 11 नाथ सम्राट। ये 2016 का ड्रामा फिल्म है जहां पर नाना पाटेकर को लीड रोल में नजर आई है और इसमें गणपत का रिटायरमेंट की बात, कैसे उनका बेटा उनको घर से बाहर निकाल देते हैं वही इसमें दिखाई है और इसमें काफी ट्रेजिक सीन नजर आई है और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इसका 2018 में तेलुगु रीमेक आई रंगमार थंडा और जहां पर प्रकाश राज को लीड रोल में नजर आई है। 2018 में इसका गुजराती रीमेक आई नाथ सम्राट। नंबर 12 मुरम्बा। ये 2017 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें जनरेशन गैप का स्टोरी को दिखाई है। बाद में 2020 में इसका गुजराती रीमेक आई गोलकेरी। नंबर 13 दुनियादारी। ये 2013 का ड्रामा फिल्म है जहां पर स्वप्निल जोशी को लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक यंग लड़का श्रेयस और शीरिन के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और ये फिल्म 2010 से 2020 तक इंडिया का सिर्फ ऐसे एक फिल्म है जो 9 महीने तक सिनेमा हॉलों में काफी सक्सेसफुली रन किया था। बाद में इसका 2017 में कन्नड़ रीमेक आई नोरुंदु नीनापो और इसके बाद 2017 में दुनियादारी नाम इसका गुजराती भाषा में रीमेक आई। नंबर 14 वेंटिलेटर। ये 2016 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और जहां पर इसमें लगभग 100 एक्टर्स ने काम किया है और ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड विनर फिल्म रहा। और बाद में इसका गुजराती में रीमेक आई 2018 में वेंटिलेटर। नंबर 16 मुंबई पुणे मुंबई। ये 2010 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म रहा सुपरहिट और बाद में इसका रीमेक आई टोटल 4 लैंग्वेज में, जहां पर 2014 में हिंदी रीमेक आई मुंबई दिल्ली मुंबई और पंजाबी भाषा में 2019 में रीमेक आई चंडीगढ़ अमृतसर और चंडीगढ़ और कन्नाडा में रीमेक आई पार्गे आगबी ताइते और तेलुगु भाषा में रीमेक आई मेड इन वाइजाग। नंबर 16 में शिवाजी राजे भोसलाई बोलते। ये 2009 का ड्रामा फिल्म है जहां पर महेश मंजेकर को लीड रोल में नजर आई है और बाद में इसका 2011 में बंगाली भाषा में रीमेक आई आमी सुभाष बोलछी, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती को लीड रोल में नजर आई है। नंबर 17 शिक्षा नाचाया आयचा घो। ये 2010 का ड्रामा फिल्म है और इसमें एडुकेशन सिस्टम को दिखाई है। बाद में इसका रीमेक आई चलो पलटाई, जो 2011 का बंगाली रीमेक है जहां पर प्रोसेनजीत को लीड रोल में नजर आई है और इसके बाद 2018 में पंजाबी रीमेक आई सन ऑफ मंजीत सिंह। तो ये रहा कुछ ऐसे मराठी फिल्मों के बारे में जिस फिल्मों को दूसरे लैंग्वेज में और इंडस्ट्री में की गई है रीमेक। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मशीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।